हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, फाइनली जो है वो झारखंड बीएड के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और अभी जो है वो 11 तारीख से 17 तारीख तक आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ने अपना काउंसलिंग भी कर लिया है। अब बात करते हैं कि जैसे ही आप लोग अपना काउंसलिंग करोगे, आपको इस टाइप का पेज जो है वो कन्फर्मेशन पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। किसी किसी के एप्लीकेशन में जो है वो फ़ोटो प्रिंट आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि वे लोग जो है फ़ोन से ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप लैपटॉप से ट्राई करोगे तो यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसे जो है आप लोग प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे हो सकता है काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको जो है एडमिशन के वक्त कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे ही आप लोग कन्फर्मेशन पेज को प्रिंट आउट करोगे, वहाँ पे आपको नीचे ये देखने को मिल जाएगा कि एडमिशन के वक्त जो है वो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास यहाँ पे जो है वो एक दो डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो उनके पास नहीं होगा, और उसे बनाने के लिए जो है वो करीबन आपको 1 से 2 सप्ताह जो है वो टाइम लग जाता है। तो देखिए, आपके पास जो है वो ज़्यादा वक्त नहीं है। जैसे ही आपका 17 तारीख को फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग ख़त्म होगा, उसके बाद जो है वो 1-2 दिन बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, एवं जो है वो उसके बाद आपको जो है वो 6 से 7 दिन के अंदर एडमिशन कराने के लिए आपको बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको उसी के अंदर आपको अपने इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन कराना है और ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको लेकर जाना है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेके जाना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, या फिर आपके पास ये चीज़ जो है पहले से अवेलेबल होगा। और ये जो है वो ऑफिशियली है। ठीक है, यानी कि हम अपने से जो है वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ये आपको जो है वो ऑफिशियली बताया गया है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको एडमिशन के वक्त लेके जाना है। पहला है कि ओरिजिनल 10th सर्टिफिकेट शोइंग नेम, फादर नेम एंड DOB। तो यहाँ पर जो है ओरिजिनल जितने भी 10th का डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, इसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, बहुत से लोगों ने अपना स्कूल का पासिंग सर्टिफिकेट भी नहीं लिया रहता है, तो इसे भी आप लोग जो है वो ले लीजिएगा। ये सब जो है वो आपको हो सकता है कि कॉलेज वाला जो है वो जमा ले लेता है। ठीक है, फिर आपका जब बीएड कंप्लीट होगा, उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वापस दे दिया जाता है। दूसरा है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये दोनों जो है वो आपको ओरिजिनल जमा करना है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अभी बहुत से स्टूडेंट जो सेम 6 में इस बार दिए होंगे सेम 6 का एग्ज़ाम, तो वे लोगों के पास जो है वो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो वे लोग जो है वो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मंगवा लें। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो करीबन आपका अप्लाई करना होता है ऑफिशियल साइट पे, अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट में जाके अप्लाई कर दीजिए। 1 सप्ताह लगता है, 1 सप्ताह में जो है आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, तीसरा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको ओरिजिनल जमा करना है, ये आपका कॉलेज वाला चाहिए। ठीक है, कॉलेज से आप लोग जो है इसे भी निकलवा लीजिएगा। तीसरा है मार्कशीट का, यहाँ पे 2 कॉपी चाहिए, जेरोक्स, एडमिट कार्ड का यहाँ पे जेरोक्स 1 कॉपी, ये सब जो है वो ग्रेजुएशन का आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, 1/6 जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ये जो है बहुत स्टूडेंट के पास नहीं होगा। इसे कैसे बनवाओगे, इसके रिगार्डिंग जो है वो हम एक अलग से वीडियो आपको बना देंगे, इसका फॉर्मेट भी आपको जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, इसे बनाने में करीबन आपका एक दिन जो है लग जाएगा, बस आपको यहाँ पर एक साइन करवाना होता है कोई भी MBBS डिग्री डॉक्टर से। चलिए, नेक्स्ट है रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो आपका 2 स्टाम्प साइज का और 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए। अगर आप कैफ़े जाते हो, ठीक है, कोई भी स्टूडियो वगैरह, तो वहाँ पे आपको जो है वो ये चीज़ करके दे देगा, 2 स्टाम्प साइज का और 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो है वो लोग बना के आपको दे देंगे, या फिर आप खुद से फ़ोन से जो है वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अगला है कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो बहुत से स्टूडेंट के पास जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं होगा, तो वे लोग जो है वो अभी ही बनाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि ये सब बनने में जो है वो करीबन आपका 2 से 3 सप्ताह टाइम लग जाता है। EWS सर्टिफिकेट, जो भी स्टूडेंट EWS से बिलोंग करते हैं, वे लोग जो है वो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लें। आगे है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट का जेरोक्स भी आपको लगेगा ST, SC, BC1, BC2 के लिए। एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, और इसे बनवाने में भी आपका जो है वो करीबन 1 सप्ताह लग जाएगा अगर आप खुद कोर्ट जाते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको एफिडेविट करवाना होता है कोर्ट से। ठीक है, अगर आप खुद कोर्ट जाते हो सकता है आपको 1 दिन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी के थ्रू बनवाते हो तो आपको यहाँ पे जो है वो 1 सप्ताह तक लग सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड का 1 जेरोक्स कॉपी। तो यहाँ पे 11 से 12 डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रेडी करके रखना है, क्योंकि आपके पास जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं है, खास करके जिसका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो होने वाला है। ओके,
अब उसके बाद नोट में यहाँ है कि ब्रिंग योर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसके अलावा आपको जो जितना भी आपके पास जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका 10th का हो गया, 12th का हो गया या फिर ग्रेजुएशन का हो गया, ठीक है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आपको वहाँ पर लेकर जाना है। वे लोग बस देखते हैं, फिजिकली देखेंगे कि आपके पास है या नहीं, उसके बाद बस वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आपको जो है वो वापस लौटा दिया जाएगा। बस केवल हो सकता है तो 10th का डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका रख लेंगे, उसके बाद जो है वो आपको बीएड कंप्लीट होने के बाद सारा डॉक्यूमेंट्स एक साथ दे देते हैं। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही बताना था कि आपके लिए जो है वो एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आज ही बनवाने के लिए दे दीजिए, ठीक है। आपका 17 से 18 तक जो है वो सारा डॉक्यूमेंट्स का काम आप लोग कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि उसके बाद जो है आपको एडमिशन का टाइम आ जाएगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, ठीक है। बाकी हम जो है वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस और एंटी लैगिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बीएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है हम आपको जो है वो इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देते हैं।